आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कराची शहर में अपार्टमेंट्स का रुझान बढ़ता तो चला जा रहा है, लेकिन लोगों का फिर भी एक लोगों की जो प्रेफरेंस रहती है वो रहती है विलास की तरफ, लेकिन उस ऑप्शन को वो अवेल कर नहीं पाते। क्यों? बढ़ती हुई प्राइसेस की वजह से। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे रियल एस्टेट कंसल्टेंट मिस्टर हैदर अली। अस्सलाम वालेकुम हैदर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र। तो हैदर, बिना किसी ताखीर के पहला सवाल जो मेरा आपसे है वो ये है कि आप किस तरह से लोगों का इंटरेस्ट देखते हैं अपार्टमेंट्स में और विलास में आज के दौर में? देखिए, अपार्टमेंट्स और विलास में अगर लोगों का इंटरेस्ट देखें तो इसमें दो कैटेगरीज के लोग हैं। बहुत से जो फैमिलीज़ हैं वो प्रेफर करती हैं कम्युनिटी के अंदर जो एमिनिटीज़ आपको मिल रही होती हैं प्रोजेक्ट के अंदर होते हैं, लेकिन कुछ फैमिलीज़ अब ऐसी हैं जिनको ये एनवायरमेंट अच्छा नहीं लगता, वो चाहते हैं एक सिक्योर प्रोजेक्ट के अंदर अपना ज़मीन का घर हो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ अब जो हम देखते हुए आ रहे हैं, प्रोजेक्ट्स के अंदर भी आपको वो सारी फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ मिल रही हैं जो आपको एक अपने ज़मीन के घर पर भी ये सारी चीज़ें मिलती हैं। हैदर, लेकिन जिस तरह से कराची के हालात का हम सुनते हैं, आए दिन चोरी चकारियों के मामलात होते हैं, तो लोगों की ज़्यादा प्रेफरेंस जो है वो रहती है गेटेड कम्युनिटीज़ की तरफ। आज के दौर में जहाँ हमारे पास शहर में एक तरह से हम कहेंगे जगह ख़त्म होती चली जा रही है, तो आज के दौर में क्या ऐसे अफोर्डेबल ऑप्शंस अवेलेबल हैं लोगों के लिए? बिल्कुल एग्जैक्टली, आपको बिल्कुल ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं। बस इस पर एक यही मैं आपको अपनी राय बताऊंगा कि इस पर थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ती है। वर्किंग ऐसे कि आपने अगर देखा है कि अंडर डेवलप्ड एक एरिया है जहाँ पर डेवलपमेंट अभी गवर्नमेंट के थ्रू भी हो रही है, बाकी कुछ अच्छे नामी ग्रामी प्राइवेट बिल्डर्स भी काम कर रहे हैं, आपको वो ऑप्शन अवेल करना चाहिए बनिस्बत वो एरिया जो ऑलरेडी पॉश है जिसकी प्राइजेस बहुत हाई हो चुकी हैं, ताकि आपको आने वाले टाइम पर एक तो उसमें आपकी कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलेगी, सेकेंडली जब वो न्यू डेवलपमेंट होगी तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप अवेल कर सकते हैं। जिस तरीके की आपको पता है ओल्ड एरियाज़ में आप जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखते हैं कि वहाँ के लाइन्स हैं, सर्विस सिस्टम निज़ाम अच्छे नहीं होते, तो अंडर डेवलपमेंट एरिया में जो सोसाइटीज़ अब आ रही हैं वहाँ पर आप लोगों को ज़रूर गौर व फिक्र करनी चाहिए कि ये एक अच्छी सोसाइटीज़ हैं जो आप अवेल कर सकें। बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री करूँगी। 1960 में शायद हमारे बाप दादा ये सोचते थे कि PCHS कभी आबाद नहीं होगा, फिर वक्त जैसे जैसे गुजरता गया 2000 की सन में लोग समझते थे मौसमियात का जो एरिया है वो कभी नहीं बनेगा, स्कीम 33 नहीं बनेगा एक्सेट्रा, अब तो देखें हाईवे तक मामलात निकल गए। लेकिन फिर भी कुछ लोगों की प्रेफरेंस होती है फिर भी शहर के अंदर, तो हमारे पास शहर के अंदर ऐसी कौन सी बढ़ती हुई लोकेलिटी है जहाँ पर हम लोगों को विलाज ऑफर कर सकते हैं? ये लोग समझते थे कि स्कीम 33 जो है थोड़ा सा जंगल की तरफ है, हाईवे की तरफ है, लेकिन अब आप वहाँ पे भी जाएं आपको प्लॉट्स के रेट भी ऐसे मिलते हैं जैसे कि आप बना बनाया घर ले लें। मैं आपको इसमें यही बात ऐड करूँगा, जैसे कि आपने पूछा ऐसा कौन सा अंडर डेवलप्ड एरिया है, तो सुरजानी टाउन के कुछ सेक्टर्स स्टार्टिंग पे, वो भी मैं आपको लास्ट की बात नहीं कर रहा, आप 4 के चौरंगी के बाद से जो एक फैज चौक का जो एरिया है ये अच्छा एरिया हो चुका है ऑलरेडी। यहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, ट्रैफिक का निज़ाम बहुत अच्छा है, ग्रीन बस का आपको स्टॉप मिलता है। तो ये सेक्टर 6 पर एक प्रोजेक्ट है जहाँ पर मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप इस पर देख सकते हैं, क्योंकि सिक्योर प्रोजेक्ट है, बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट है और आपको लीज मिल रहा है, क्योंकि कराची में सबसे पहले जो है सबसे लोगों का जो कंसर्न रहता है डॉक्यूमेंटेशंस पे रहता है। मैं आपकी बात हैदर यहाँ पे काटूंगी, आपने बात की के लीज प्रोजेक्ट भी है, 99 साल लीज ऑब्वियसली उसमें है, तमाम तर फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है, बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट है और विलाज हैं, तो प्राइस भी देखें यहाँ की जा रही होगी 1-1.5 करोड़ तक, तो आम बंदा कैसे अफोर्ड करे? देखिए, मैं आपकी यहीं पे बात आपको करेक्ट करता हूँ कि आपने 1.5 करोड़ की बात करी, लेकिन मैं आपको जो ऑफ़र कर रहा हूँ 49 लाख रुपीज़ में रेडी विला हम आपको जो सेमी फर्निश जो एक बिल्डर फर्निश पर जो आपको मिलता है वो चीज़ मिल रही है और ये लीज प्रोजेक्ट है। फिर मैं आपको ये बात अर्ज़ करूँगा। तो यहाँ पे इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, तमाम तर इसमें यहाँ पे कितनी डेवलपमेंट हो गई है और कितने अरसे में यहाँ पे लोगों को विलास डिलीवर हो जाएंगे? देखिए, डेवलपमेंट तो पूरा प्रोजेक्ट हमारे डेवलप्ड है, रोड की कारपेटिंग जो है एक डामर लगता है, लेकिन हमने इस प्रोजेक्ट के ऊपर देखा है जो बिल्डर ने कंस्ट्रक्शन करी है पेवर की कंस्ट्रक्शन हुई है, रोड की सेवरेज का निज़ाम है, लिवेबल सोसाइटी है, ऑलरेडी 9 to 8 फैमिलीज़ वहाँ पर रह रही हैं, और सेकेंडली पोजिशंस भी हमारी कुछ अराउंड 35 फैमिलीज़ को मिल चुकी हैं, जिसमें से मैंने जैसे कि आपको बताया 8 फैमिलीज़ वहाँ पर रह रही हैं। आने वाले आप 6 मंथ पर देखिएगा पूरी सोसाइटी आपको फुली आबाद मिलेगी। हैदर, यहाँ पे हमारे तमाम तर क्लाइंट्स के लिए क्या लिविंग ऑप्शंस अवेलेबल हैं?
देखिए, लिविंग ऑप्शंस के लिए आपको हम विलास दे रहे हैं, प्लॉट्स भी दे रहे हैं, 80 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स हैं, 120 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स हैं। और बिल्डर कंस्ट्रक्शन की विला की बात करूं तो मैं आपको 80 स्क्वायर यार्ड के विलास हैं, 120 स्क्वायर यार्ड के विलास हैं, 120 पे आपको डबल स्टोरी भी मिल रहा है। तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन का टाइम है, या फॉर एग्जाम्पल हम डिलीवरी प्रोसेस को, आपने कहा कि हम 6 महीने में विला को क्लाइंट को डिलीवर कर देंगे, अगर कोई क्लाइंट यहाँ पे फौरी तौर पे आके रहना चाहे तो उसके लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं? बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। जैसे कि बहुत से क्लाइंट्स होते हैं वो उनके हाथ पे इन हैंड कैश होता है लेकिन वो एक अच्छी चीज़ नहीं देख पा रहे, तो ये ऑप्शन उनके लिए भी है। आप फौरी रिहाइश करेंगे, आपकी पेमेंट होगी आफ्टर द 15 या 40 डेज का जो टाइम होता है, उस पर आपको हम पोजिशन भी दे देंगे। पानी और बिजली बेसिक नेसेसिटीज़ जो यहाँ पे अवेलेबल है। एक बात मैं आपको यहाँ पे ऐड करता चलूँ कि देखें, मार्केट पे काफ़ी लोग आते हैं वो ख्वाब बेचते हैं, इस प्रोजेक्ट पे हम आपको ख्वाब नहीं बेच रहे। आप आए फिजिकली पहले देखें, पसंद करें, अपने विला को पसंद करें, फिर इसके ऊपर आप अपनी पेमेंट शेड्यूल पे बात चलें। आपने फिर यहाँ पे ख्वाब बेचने की क्योंकि बात की, तो मेरी एक दरख्वास्त होगी कि बिना नाम मेंशन किए इस प्रोजेक्ट के जो कॉम्पिटिटर्स हैं उसके मुकाबले में ये प्रोजेक्ट किस तरह है? अच्छा, जैसे कि आप पूछ रही हैं कि बनिस्बत बाकी प्रोजेक्ट से कैसे ये बेहतर है, जिस एरिया में हम हैं यहाँ पर, मैं आपको इसी एरिया की एक एनालाइज रिपोर्ट बताता हूँ जो मैं इस पे काम करता हुआ आया हूँ, कि यहाँ पे नामी ग्रामी बिल्डर काम कर रहे हैं जो कि 5 साल का 6 साल का पेमेंट प्लान भी लाए हुए, प्राइजेस भी डबल हैं और डेवलपमेंट जीरो है। देखिए, जब तक प्रोजेक्ट के ऊपर आप बाउंड्री वॉल लगा देते हैं, जीरो डेवलपमेंट कर देते हैं, तो वो प्रोजेक्ट मेरे हिसाब से वो कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है। जब तक आप उस पे डेवलपमेंट ना करें, सेवरेज का निज़ाम ना डालें, कि आप अपने प्लॉट पे नहीं खड़े हो पा रहे तो आप 50 लाख 55 लाख का प्लॉट ले रहे हैं, तो उससे बनिस्बत अच्छी चीज़ ये है कि आपको रेडी विलास भी मिल रहे हैं और जहाँ पर आप खुद फिजिकली देख सकते हैं कि आपका घर किधर है। बहुत बहुत शुक्रिया हैदर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। आपने तमाम तर देखने वालों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर इन विलास के हवाले से आपका कोई भी सवाल है या फिर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे हैदर से ज़रूर रابطہ कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।